स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता आज कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक किया। इस अवसर पर मंत्री बन्ना गुप्ता ने राज्य में बढ़ते मामले और सरकार की तैयारियों से अवगत कराते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी को बताया कि वर्तमान में राज्य में 51 कोविड के मरीज हैं जो हल्के लक्षण के पाए गए हैं और होम आइसोलेशन में ही इलाजरत हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर गंभीर है और नज़र रखी हुई है। उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से कोविड वैक्सीन, ब्लड सेपरेशन मशीनें समेत अन्य संसाधनों का आग्रह किया। इस अवसर पर निम्न बिंदुओं पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से चर्चा हुई। 9 अप्रैल को सभी डीसी, सिविल सर्जन और मेडिकल कॉलेज के प्रतिनिधियों और प्राइवेट अस्पतालों के प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक, 10 और 11 अप्रैल को सभी सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में कोविड की तैयारियों को लेकर मॉक ड्रिल, राज्य में कोविड टीकाकरण की समीक्षा का निर्देश, सभी जिलों में ऑक्सीजन की उपलब्धता, बेड की उपलब्धता, मेडिसिन की उपलब्धता, ऑक्सीजन सिलेंडर की उपलब्धता की समीक्षा, राज्य के प्रत्येक अस्पताल में मानव बल, चिकित्सकों की उपलब्धता और पारा मेडिकल कर्मियों की उपलब्धता की समीक्षा की गई। मंत्री बन्ना गुप्ता ने निम्न मुद्दों को झारखंड की तरफ से रखा, जिस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने सकारात्मक पहल करने का आश्वासन दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया से ब्लड सेपरेशन मशीन की अधिस्थापना की मांग, ICMR से खूंटी, लोहरदगा, कोडरमा और पाकुड़ में कोविड जांच हेतु RT-PCR लैब की स्वीकृति के लिए अनुरोध, धनबाद और जमशेदपुर में नई सरकारी नर्सिंग कॉलेज हेतु आग्रह, PSA प्लांट के रख रखाव और मैन पावर को NHM की राशि से निर्गत करने का आग्रह, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से झारखंड को 50,000 कोविड वैक्सीन देने का आग्रह। नर्सिंग कॉलेज का सर वो परमिशन का मामला था, तो 5 का आपने परमिशन दिया था, तो उसमें जो है कि चेबसा और कोडरमा का जो निर्माणाधीन है तो उसको भी परमिशन जमशेदपुर और धनबाद यदि कर देते तो ज्यादा मेहरबानी। ऑलरेडी 3 सैंक्शन कर दिया है अपने फंड से, 24 करोड़ का, आपका 10 करोड़ का है, हमने उसको 240 सीटर बना के अपने यहाँ से सैंक्शन कर दिया। 3 नए जो हमारे मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, तो 2 नए मेडिकल कॉलेज अभी कंस्ट्रक्शन की स्टेज में है, तो 2 जो ऑलरेडी ऑपरेशनल है उनमें हम चाहते थे कि 10 कॉलेज हो जाए वाला, एंड वट एवर एक्स्ट्रा मनी रिक्वायर्ड वी सपोर्ट फ्रॉम आवर ओन फंड्स। जमशेदपुर और धनबाद के लिए सर यदि हो जाता तो बड़ी मेहरबानी होती सर। ठीक है, मैं ठीक किया सर। और अभी मैं और एक आपको धन्यवाद मैं इस चीज के लिए भी देता हूँ कि अभिम के द्वारा हम लोगों ने 3 स्टॉल जो है वो लिए, स्टॉल हाँ 3 किस्तें हम लोगों ने लिया है और NHM का भी 3 किस्तें हम ले चुके हैं और हम पूरी कोशिश में है कि आपकी जो चिंता है देश के हित में कि जो बजट का पैसा ज्यादा से ज्यादा जनहित में खर्च हो उसको हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा उसको हम खर्च करके सदुपयोग करें कि जो हमारे जितने PSA प्लांट हैं तो उसके संचालन के लिए यदि NHM की राशि से ही उसके संचालन का आदेश निर्गत होता तो हम लोगों को जो मैन पावर में कमी आ रही है और उसको जो है भुगतान करने में कमी आ रही है तो उसका भी प्रावधान उससे हो जाता तो बेहतर होता। और जो भी आपके आदेश निर्देश होंगे उसका झारखंड अक्षरशः पालन करेगा और एकदम मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली भी समझता हूँ कि लगातार आपके माध्यम से हम लोगों को हर झारखंड राज्य जो है वो उसमें आपकी हमेशा आशीर्वाद बना रहता है, तो इसमें बहुत आपका धन्यवाद। और केवल जो है हमारा ये वैक्सीन जो है जल्दी उपलब्ध हो जाए तो मैं समझता हूँ कि हम लोग जो है वैक्सीनेट करने का भी काम हम तेज गति में करेंगे। निर्देश को तो सर आदेश निर्देश दिया जाएगा सर। थैंक यू वर्णा जी, शायद आपकी ICMR के लैब के लिए अप्रूव दे दिया गया है। मैं आज डिसीजन किया है, मैंने सोचा था जी बन्ना गुप्ता इनकी प्रेजेंस हो और बोला बिना रहे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नहीं, मैं डिसिप्लिन में था सर और मैं चश्मा पहना हूँ तो मैं सोच रहा था कि भैया चश्मा में नहीं पहचान रहे होंगे,
फिर मैंने चश्मा भी खोल दिया तो आप आपको बहुत जो है तो आपके क्या बोले आपके सेक्रेटरी को पूछूंगा तो फोन खुल जाएगा। नहीं 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 फोन नहीं, सही बता रहा है। और सेक्रेटरी साहब लुक लाइक माय बिग ब्रदर, ये एसीएस एडिशनल चीफ सेक्रेटरी। तो मैं स्वास्थ्य दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ और सर आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने समय पर ही जो है ये इसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का आयोजन किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और दूसरा, झारखंड आपके साथ बिल्कुल कदम से कदम मिलाकर हम लोग एकदम चलेंगे और जो 10 और 11 को मॉक ड्रिल है उसमें भी जो आपने जो दिशा निर्देश दिए उसका भी पालन करेंगे निश्चित तौर पर। और मेरा एक तो निवेदन था सर कि एक तो भारत सरकार आपके माध्यम से ही कुछ एसओपी वगैरह बन जाए, समय रहते हुए कुछ ऐसी गाइडलाइंस वगैरह हो जाए पूरे राज्यों के लिए कि सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब उसका एक छोटा रूप, मतलब जैसे हल्का मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग करना है। तो मैं समझता हूँ कि जो जिस तरीके से स्प्रेड हो रहा है वो स्प्रेड थोड़ा सा रुकेगा। और दूसरी तीसरी बात ये है सर कि हमारे 4 अभी आरटीपीसीआर लैब का आईसीएमआर के पास अभी पड़े हैं, वो सर्टिफिकेशन के लिए प्रक्रियाधीन है। तो थोड़ा सा मेरा ये निवेदन होगा कि उस पर भी थोड़ा सा आपका आदेश हो जाए। और एक था सर कि हम लोगों ने कोवैक्सीन के लिए 50,000 कोवैक्सीन के लिए निवेदन किया था, वो भी आज 2 सप्ताह हो गए हैं, हमारे पास वैक्सीन जो है वो शून्य हो गया है। तो मेरा सर निवेदन होगा, बड़े भाई भी हैं और झारखंड ट्राइबल स्टेट है तो आपका तो विशेष आशीर्वाद हमको मिलते रहता है, तो एक निवेदन होगा कि थोड़ा हम लोगों को वो कृपा की जाए। और दूसरी बात है कि हमारे राज्य में भी मात्र अभी 51 लोग पॉजिटिव हैं और दे ऑल आर माइल्ड, इंग्लिश भी थोड़ा बोल रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ इंग्लिश बोलने का। तो थैंक यू। तो 51 लोग हैं तो उसमें सभी लोगों को हम लोगों ने अभी घरों में ही। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स डॉट लाइव को लाइक करें, साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।